हाय एवरीवन, सो आज बात करने जा रहे हैं इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में। जैसे कि केएसयू लिथुएनिया में हमारे काफी सारे स्टूडेंट्स का इंटरव्यू प्रोसेस चल रहा था अभी पीछे, तो इसके लिए हमारे पास काफी क्वेरीज आ रही थी, काफी ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि हम इस पे एक वीडियो करें, इंटरव्यू प्रोसेस क्या है, टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में, डूज एंड डोंट्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे साथ हैं रिया मैम, हमारे इंटरव्यू ट्रेनर। तो मैम, आप बताइए हमें कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में और डूज एंड डोंट्स के बारे में, ताकि जैसे जिनकी हेल्प से हमारे स्टूडेंट्स ने यूनिवर्सिटीज की, एम्बेसी की इतनी सारी इंटरव्यूज क्लियर करी हैं। तो मैम, आप हमें बताइए आज के केएसयू का इंटरव्यू प्रोसेस जो है वो कैसा था? सो काफी ज्यादा बच्चों को काफी ज्यादा कन्फ्यूजन्स थे और काफी ज्यादा बच्चे बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उनको बिल्कुल ही अंदाजा नहीं था कि ये केएसयू का इंटरव्यू किस तरीके से होने वाला है, बिकॉज कंट्री भी काफी ज्यादा डिफरेंट है, लिथुएनिया है, तो लिथुएनियंस का बिहेवियर किस तरीके से रहेगा इंटरव्यू में और किस तरीके की क्वेश्चनिंग होगी, उनको कोई अंदाजा नहीं था। बट हमने क्योंकि एक क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखा था, तो उससे उनकी काफी ज्यादा हेल्प हुई, जिसमें कि क्वेश्चन आंसर सारे हम लोग देते हैं। और स्पेशली ये सर्विस स्पेक्ट्रम ओवरसीज ही प्रोवाइड करवाता है स्टूडेंट्स के लिए, जिससे गाइडेंस मिलता है स्टूडेंट को और उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। और ये काफी कम एजेंसीज है पंजाब में जो यूनिवर्सिटी इंटरव्यू सर्विसेज देती है, तो आप भी बिल्कुल हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ साथ जो केएसयू है, ये यूनिवर्सिटी काफी ज्यादा वेल नोन है लिथुएनिया में, एंड इट इज ऑल्सो अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी। इसी के साथ साथ फैसिलिटीज बहुत अच्छी अच्छी प्रोवाइड करती है केएसयू, अकोमोडेशन प्रोवाइड करती है, डिजिटल क्लासरूम्स प्रोवाइड करती है। तो इसी तरीके से आपसे जब पूछा जाए ना यूनिवर्सिटी के बारे में, तो आपको इस तरीके से इसका जवाब देना होता है। थोड़ा सा गूगल भी करना पड़ता है, थोड़ा रिसर्च भी लगेगी। सो इस तरीके से हम ट्रेन करते हैं स्टूडेंट्स को, ताकि वो इजिली अपना इंटरव्यू क्रैक कर सके। तो मैम, जैसे कि बहुत सारे बच्चों ने इंटरव्यू क्रैक करा है, तो क्या ड्यूरेशन क्या रहा था उनका? ये हार्डली एक 1 to 2 minutes लास्ट किया इंटरव्यू, और यूजुअली बच्चों को ये लग रहा था कि शायद ये इंटरव्यू 15-20 मिनट की जाएगी, बट इस बार ही काफी ज्यादा स्टूडेंट्स थे जिनने अप्लाई किया था, पाकिस्तान से भी और इंडिया से, और जिस वजह से काफी ज्यादा टाइम उनने कम कर दिया, जिस वजह से काफी स्टूडेंट्स को फायदा भी हुआ। तो इट इज अ विन विन सिचुएशन फॉर स्टूडेंट्स। डेफिनेटली ट्राई टू गेट एडमिशन इन लिथुएनियन यूनिवर्सिटीज। क्वेश्चन पेपर हमने डिस्प्ले कर दिया है अपनी वीडियो में, जैसे कि आप देख सकते हो हम जब कॉन्वर्सेट करते थे तो उस बीच में क्वेश्चन पेपर डिस्प्ले कर चुके हैं हम। इस तरीके के और नोट्स अगर आपको चाहिए तो डेफिनेटली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसके साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में आप शेयर कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस भी। आई थिंक इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट्स हु विश टू गो ओवरसीज इन सम यूनिक कंट्रीज, इन सम अपकमिंग न्यू कंट्रीज। सो डेफिनेटली आपको ट्राई करना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू प्रोसेस काफी ज्यादा ईजी था कैसमिरा सिमोनोविशिस यूनिवर्सिटी का, और डेफिनेटली आप इसके बारे में और सीख सकते हो, जानकारी ले सकते हो। और इसके साथ साथ हम एक स्टूडेंट का जो अभी अभी इंटरव्यू जिसने क्रैक किया है, उसका एक टेस्टिमोनियल शेयर कर रहे हैं आपके साथ, सो दैट आपको एक आइडिया हो जाए कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बच्चे किस तरीके से कंफ्यूज होते हैं, समटाइम्स नर्वस होते हैं, पर उस बच्चे ने बहुत ही अच्छे से इंटरव्यू दिया है अपना। मेरा नाम लवजोत है और मैं पठानकोट से हूँ। मैंने अपना लिथुएनिया स्टडी वीजा के लिए अप्लाई किया हुआ है स्पेक्ट्रम ओवरसीज। उन्होंने मुझसे मेरा नाम पूछा, तो मैंने अपना नाम बताया कि यस, मेरा नाम लवजोत सिंह है। सेकंड उसने ऐसा नहीं कहा कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, शी सेड लाइक प्रेजेंट योरसेल्फ। देन मैंने अपनी इंट्रोडक्शन दी, डू यू हैव एनी स्पॉन्सर और नॉट, तो स्पॉन्सर्स के रिलेटेड उसने पूछा था कि कोई स्पॉन्सर है या नहीं, तो स्पॉन्सर का बताया नॉट। जो थर्ड क्वेश्चन था कि आप काम कर रहे हो या नहीं, जो था मैंने क्लियर बोला। ट्यूशन फी पूछी उन्होंने, मैम ने बताया हुआ था कि आप ऐसे बोल सकते हो, बाकी आपकी है कि फ्लुएंसी अच्छी होनी चाहिए, आप कॉन्फिडेंट होने चाहिए, वहाँ अपने चेहरे पे स्माइली रखनी है कि दस क्यों नहीं लगे कि हाँ ये कॉन्फिडेंट है बंदा। वेयर यू हैव टू गो फॉर योर VFS, जैसे इंडिया में हमें जाना पड़ता है दिल्ली VFS, तो मैंने कहा कि यस आई हैव टू गो दिल्ली VFS फॉर माय TRP। तो बस यही क्वेश्चन थे। मुझे लगता है कि जितने भी बच्चों की क्वेरीज थी उनको अपना अपना आंसर मिल गया होगा। और भी अगर आपको इसके बारे में कुछ ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या फिर आप आकर जलंधर में स्पेक्ट्रम ओवरसीज में विजिट कर सकते हैं और यहाँ से एक्सपर्ट इंटरव्यू ट्रेनर से अपना इंटरव्यू क्रैक करने के लिए टिप्स एंड ट्रिक्स ले सकते हैं।